गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमारे आसपास कई ऐसे जानवर होते हैं जो हमें किसी न किसी प्रकार से मदद करते हैं। आज हम जिस जानवर के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं, वो हमें दूध भी देती हैं और हम उसकी पूजा भी करते हैं। हाँ, आप लोगों ने सही पहचाना, वो है गाय। बच्चों, आज की हमारी कहानी है अड़ियल गाय की, जिसे विद्या प्रधान जी द्वारा लिखा गया है। इसका चित्रांकन सौरभ पांडे जी द्वारा किया गया है और इसका अनुवाद एवं संपादन सुभद्रा मालवी जी द्वारा किया गया है। गाय का मिजाज आज बहुत खराब था। वह सड़क के बीच में अड़कर बैठी थी और हिलने का नाम भी नहीं ले रही थी। ग्वाले ने उससे हाथ जोड़कर विनती की, हे गौ माता, दया करके चलो, बच्चे दूध की राह देख रहे हैं। मिठाई वाला मिठाई बनाने के लिए बैठा होगा, किसान भी बैठे होंगे कि छाछ मिले तो ठंडक पड़े, इसलिए हे गौ माता अब उठो और चलो। फिर ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का दिया और विनती की, पर गाय थी कि हिलने का नाम भी नहीं ले रही थी। तभी वहां से एक पुलिस वाला गुजरा, उसकी वर्दी में लगे बटन और बकल चमचमा रहे थे। पुलिस वाले ने कहा कि ये तो बहुत आसान काम है, तुम्हें ठीक से आता नहीं है, मैं इसे उठा देता हूँ। अब पुलिस वाले और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का दिया, उससे विनती भी की, पर गाय थी कि हिलने का नाम भी नहीं ले रही थी। तभी वहां से एक दुकानदार आया, उसने हाथों में आलू और मटर ले रखे थे। वह बोला, मैं इसे उठाता हूँ, यह काम तो बहुत ही आसान है। अब दुकानदार, पुलिस वाला और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, गाय से विनती की, पर गाय थी कि हिलने का नाम भी नहीं ले रही थी। एक पहलवान वहां से जा रहा था। धूप में उसका कसरती और पुष्ट शरीर चमक रहा था। उसने कहा, मुझसे 10 घोड़ों के बराबर शक्ति है, मैं बड़े मजे से गाय को उठा दूंगा। अब पहलवान, दुकानदार, पुलिस वाला और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का दिया, विनती भी की, पर गाय थी कि हिलने का नाम भी नहीं ले रही थी। इसी बीच एक इंजीनियर भी आ पहुंचा। उसके पास काफी लंबी चौड़ी डिग्री थी। उसने अपना सिर खुजाया और कहा, लगता है यहाँ पर जड़ता का सिद्धांत काम कर रहा है। अब इंजीनियर, पहलवान, दुकानदार, पुलिस वाले और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का दिया, उससे विनती की, पर गाय फिर भी नहीं हिली। फिर एक आइसक्रीम वाला घंटी बजाते हुए वहां आया। वह बोला, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है। जब आइसक्रीम वाला, इंजीनियर, पहलवान, दुकानदार, पुलिस वाला और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का दिया, उससे विनती की, फिर भी गाय अपनी जगह से नहीं हिली। तभी एक मोची वहां आया। उसके हाथों में चमड़ा और जूते गाँटने का सुआ था। उसने कहा, एक गाय और सात सात आदमी, काम इतना कठिन तो नहीं लगता। अब मोची, आइसक्रीम वाला, इंजीनियर, पहलवान, पुलिस वाला, दुकानदार और ग्वाले ने मिलकर गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का दिया, विनती भी की, पर गाय थी कि हिलने का नाम भी नहीं ले रही थी। तभी वहां एक चित्रकार आ पहुंचा। उसने कपड़ों पर नारंगी, गुलाबी और नीले रंग के छींटे पड़े हुए पहने थे। वह बोला, मटपेले रंग पर सफेद कुछ जच नहीं रहा है। गाय जोर से रंभाई, हुम्मा। अब चित्रकार, मोची, आइसक्रीम वाला, इंजीनियर, पहलवान, दुकानदार, पुलिस वाला और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का दिया, विनती भी की, पर गाय थी कि हिलने का नाम भी नहीं ले रही थी। इसी समय एक मूंगफली वाला वहां आया। मूंगफली वाले के भूनने की सौंधी गंध आ रही थी। उसने कहा, मैं भी खींचता हूँ, हम सब मिलकर 9 हो जाएंगे। अब मूंगफली वाला, चित्रकार, मोची, आइसक्रीम वाला, दुकानदार, पुलिस वाला, ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का दिया, उससे विनती की, पर गाय थी कि हिलने का नाम भी नहीं ले रही थी।
तभी एक छोटा सा बच्चा वहां आया। उसने यह देखा तो मुस्कुराया और बोला, जरा इन बड़ों और इनकी हालत को देखो, ये कोई इतनी बड़ी समस्या है? अरे मैंने तो दूसरी कक्षा में ही पढ़ लिया था कि इंसान चावल और गेहूं खाते हैं और ग्वाले की गाय घास खाती है। उसने हरी हरी स्वादिष्ट घास का गुच्छा गाय के मुंह के सामने किया। गाय झट से घास खाने लगी। बच्चा उसे घास खिलाते हुए धीरे धीरे एक तरफ ले गया। वह जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। मूंगफली वाले ने उसे शाबाशी दी, दुकानदार ने तालियां बजाई और पुलिस वाले ने खुश होकर अपना डंडा हवा में लहराया। पहलवान ने खीसे निपोरी, इंजीनियर ने अपना सिर हिलाया, आइसक्रीम वाले ने बच्चे की चतुरता पर नारा लगाया, हुर्रे। चित्रकार हंसने लगा, मोची मुस्कुराने लगा और ग्वाले ने अपनी दूध की बाल्टी बजाई। दयालु होना और प्यार करना सबसे बढ़िया उपाय है। जबरदस्ती और क्रूरता भरा व्यवहार आमतौर पर काम नहीं आता। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसी प्रकार की आपने कोई कहानी जो आपने कभी ऐसा देखी हो, कहीं पर आपके संग घटित हुई हो, आप उसे लिख सकते हैं और उसकी वीडियो बनाकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।